अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय अर्थात कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों की ओर दिलाना चाहती हूँ। कौशल रोजगार निगम में पढ़े लिखे युवकों को कम वेतन पर रोजगार देकर एक तरह से सरकार द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ही काम करा जा रहा है। ऐसा लगता है कि निगम पढ़े लिखे युवकों का शोषण करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें आरक्षण देने का भी कोई सही ढंग से पालना नहीं करी है और ना ही इसमें किसी तरह की पारदर्शिता बरती गई है। कौशल रोजगार निगम में भर्तियों के नाम पर सरकार युवकों के साथ धोखा करने का काम कर रही है। इस निगम के तहत सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिससे हमारे युवा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में जो टीजीटी और पीजीटी की भर्तियां की गई हैं, उनमें भी नियमों की सरकार अनदेखी कर रही है। इस नियम के तहत आनन फानन में बिना किसी प्रक्रिया के पालन किए भर्तियां की जा रही। जिन लोगों को भर्ती किया गया है उनको दूर दराज के स्टेशन दिए जाते हैं, जिसके कारण बहुत से युवा जो हैं कम सैलरी और कच्ची नौकरी होने के कारण ज्वाइन भी नहीं कर पा रही है। उनके साथ बहुत जबरदस्त शोषण हो रहा है। बहुत सी नौकरियां में तो पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट जो है, होम डिस्ट्रिक्ट जो है, उसमें पोस्ट खाली होने के बावजूद भी दूसरे जिलों के अंदर उनको नौकरियां दी जा रही हैं, नौकरियों का नाम दिया जा रहा है। ऐसा करके सरकार पक्की नौकरियों के साथ साथ दलित व पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष जी, आज के दिन करीब 1,80,000 से ज्यादा विभिन्न कैटेगरी के बहुत से विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं और सीएमआई आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 30.6% की बेरोजगारी दर जो है वो झेल रहा है। यह हरियाणा के लिए एक बहुत ही बड़ा काला धब्बा है। सरकार कोई भी भर्ती करती है तो उसकी ज्वाइनिंग समय पर नहीं कर पाती और कई भर्तियों में ऐसी खामियां बरती जाती हैं जो कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी जाती हैं। आज अध्यक्ष जी, युवा निराश है, हताश है, क्योंकि उनको अपने जीवन यापन के लिए कोई पद दिखाई नहीं दे रहा। सीईटी भी इसी तरह से इसी मसले के अंदर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है जो लिया जा रहा है, उससे भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि यह हर साल लिया जाए ताकि जो है हमारे बच्चों को उसका फायदा मिल सके। 3 साल की जो अवधि आपने दी है इसके अंदर, वो अवधि जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो बाद में बच्चे आएंगे वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए जो है इसको भी जो है इसके अंदर जो अनियमितताएं हैं उनको भी पूरी तरह से देखा जाए। और खास तौर से अध्यक्ष जी, जो इस रोजगार योजना के अंदर प्राइवेट जो एक्सपीरियंसेस हैं जिनके पास हैं, उनको रोजगार के अंदर जो है रोजगार इसमें नहीं लिया जाता, तो ये भी जो है जिन्होंने प्राइवेट काम कर रखा है उसको भी इनके अंदर लिया जाए। और जो ये कैप करी गई है 30,000 की, इसका मतलब ये है कि जो युवक इसके अंदर नौकरियां जिनको मिलेंगी, वो युवक जो हैं उनको आगे के लिए कोई बढ़ोतरी के कोई साधन नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है अध्यक्ष जी कि ये भी प्रावधान डाला जाए कि जो बच्चे उसके अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरिट के अंदर आ रहे हैं, उनको भी आगे पूरी तरह से लिया जाए, ताकि उनको ये रहे कि आगे हमारा कुछ ना कुछ भविष्य जो है वो होगा। और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष जी, ये यहाँ पर हमारी जब स्ट्राइक हुई थी, ट्रांसपोर्ट की बसों की स्ट्राइक हुई थी, उस समय जो है ये बच्चों को बुलाकर जो है ड्राइवर और ये कंडक्टर्स जो है उनको करवाया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो मेरी अनुरोध है कि ऐसे जो कंडक्टर रह गए हैं, बहुत सारे बच्चे उनको तो आपने ले लिया है, ड्राइवर ले लिया है, लेकिन जिन्होंने सरकार का बुरे समय के अंदर साथ दिया है, उनको भी जो है इसके अंदर कौशल रोजगार योजना जो है उसके अंदर उसको शामिल किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये क्यों नहीं फिक्स करा गया, ये कौशल रोजगार योजना में जब शॉर्टलिस्टिंग करी जाती है कैंडिडेट्स की,
तो इसका क्राइटेरिया भी जो है इसका पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए था। और अध्यक्ष जी, जो मेरिट लिस्ट जो बनती है, क्योंकि हर चीज जो है पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, जो मेरिट लिस्ट जो बनती है वो मेरिट लिस्ट को जो है क्यों नहीं दर्शाया जाता कि सबको मालूम चले कि कौन कौन मेरिट लिस्ट में आया, कौन बैकडोर एंट्री से आया। ये सारी चीजें जो है अध्यक्ष जी उसके अंदर जो है दर्शाई जानी चाहिए। और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रोसीजर फॉलो करा गया है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स, कि उनके जो एंटीसीडेंट्स हैं, उनके जो पीछे की जो है, क्या क्राइटेरिया फॉलो करा गया है जिससे जो है उनको वहां पे लगाया जाता है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो है हमारा जो लोग पीजीटी और टीजीटी के अंदर जो है जिनको लगाया जा रहा है इस रोजगार कौशल रोजगार योजना के तहत, मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इनको कभी रेगुलराइज करा जाएगा? जब आपके रेगुलर टीचर्स आएंगे जो आपकी भर्ती के जरिए आएंगे, एचएसएससी के जरिए और एचपीएससी के जरिए, तो ये जो बच्चे जो लग रहे हैं, ये जो इसमें ठेके की तरह ही है ये एक तरह से, इनको इनका क्या होगा? इनको बाहर निकाल के फेंक देंगे? इनका क्या होगा आगे? उसके बारे में भी सरकार जो है जरा उस पर रोशनी डाले। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोजगार जो है कौशल जो है निगम आपने बना तो दिया, लेकिन कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग इसकी नहीं है। आज के दिन मतलब जो भी कार्रवाई सरकार करती है तो वो स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ जो है करवाई जाती है, ताकि आगे आने वाले समय में जो बच्चे इसके तहत लगे उनको जो है वो कुछ कार्रवाई कर पाए। यहां तो अगर ये इस तरह से, ये तो ठेका प्रथा जो है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है अध्यक्ष जी। ये जो है इसके साथ साथ मैं पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूं कि 1.82 लाख पोस्ट जो हैं आज सरकारी विभागों के अंदर खाली पड़ी हुई, 40,000 से भी ज्यादा जो हैं हैव बीन डिप्लॉयड थ्रू आउटसोर्सिंग एंड थ्रू अ बैकडोर एंट्री। मतलब ये सारे के सारे ठेका प्रथा प्रणाली जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम सब जानते हैं कि मास्टर रोल्स के अंदर किस तरह से करप्शन होता है अध्यक्ष जी, किस तरह से शॉर्ट सर्किटिंग करी जाती है, किस तरह से जो है इधर उधर जो है सारी कार्रवाई होती है। और जो ज्यादा से जो ज्यादातर जो सिलेक्शन है अध्यक्ष जी, 1,518 पोस्ट जो है ग्रुप डी की, स्पोर्ट्स कोटा की खासतौर से, वो जो है वो खत्म कर दी गई हैं। और क्योंकि एक सब्सिक्वेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया है, सॉरी मैं आई एम यूजिंग अ लॉजेंज बिकॉज माय थ्रोट इज वेरी बैड, सो ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया बनाया है इसके अंदर ये जो ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं, ये पूरा कोटा जो है वो पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया, तो उनका बच्चों का क्या होगा? और खासतौर से जो है अब जो है 38,612 पोस्ट जो है टीचर्स की प्राइमरी लेवल पे खाली पड़ी, 25,534 सेकेंडरी लेवल पे खाली पड़ी, और 6,618 पोस्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हरियाणा के अंदर खाली पड़ी हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार के पास क्या रोड मैप है? हम जानते हैं कि आज सबसे बड़ा ज्वलंत जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि ये बेरोजगार जो बच्चे हैं वो हताश होके घूम रहे हैं। और मेरे पास इस तरह के बच्चे आते हैं कि बहन जी, हमारे को अगर नौकरी नहीं लगी हमारी शादियां भी नहीं होंगी, कोई लड़की देके राजी नहीं है, कौन अपनी लड़की देगा एक बेरोजगार युवक को? तो ये एक सोशल जो है फैब्रिक उसको भी खराब कर रहा है। तो हमें जो है बहुत गंभीरता के साथ, संगीनता के साथ जो है इस चीज को लेना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपने बच्चों को एडजस्ट कर पाएं और उनको उस तरह का जो है कॉन्फिडेंस दे पाएं कि आने वाले समय के अंदर वो जो है खाली नहीं रहेंगे, उनको जो है पक्का करा जाएगा या आगे उनकी जो है बढ़ोतरी करी जाएगी। ये सारी की सारी जो है जो प्रश्न जो मैंने पूछे हैं उसका जवाब दे सरकार, और उसके बाद अध्यक्ष जी जो आपके बाद मेरे को प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। अध्यक्ष जी,